हेलो गाइस, मैं सीमा। आज मैं सिलाई मशीन का कवर बनाना बताऊंगी। दो पीस कपड़े में आराम से बन जाएगा। और देखिए, ये दो पीस कपड़ा है जिसकी लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है, मतलब ऊंचाई जो है ये 16 इंच है। ये दो पॉकेट के लिए काटा है और सब में बकरम अस्तर ज़रूर रहेगा। पहले सबको हम इस तरह से रेडी करेंगे। सबसे नीचे हम रेड वाले कपड़े को रखेंगे, फिर अस्तर, फिर बकरम। इस तरह से रख के तीन तरफ से सिलाई कर लेंगे। एक हिस्सा खुला रखेंगे, एक हिस्सा खुला रहेगा तो हम उसे सीधा कर लेंगे। देखिए, हमने सिलाई कर ली, अब इसको हम सीधा करेंगे। इसी तरह से सभी को आप रेडी करेंगे। पॉकेट है दूसरा हिस्सा, जो रेड वाला हमने पीस काटा है उसको भी इसी तरह से हम सिलाई करके रेडी कर लेंगे। देखिए, अब इसको मोड़ के, जो खुला हिस्सा है, इस तरह से मोड़ के और इसको भी हम सिलाई कर देंगे पूरे में। देखिए, पूरे में इसको सिलाई करेंगे। अब देखिए, हमारा सब रेडी हो गया है। उसी तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, छोटा बड़ा। मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है जिससे इसमें ज़्यादा सामान आ सके। और देखिए, इस तरह से हमें पॉकेट वाला हिस्सा हम पॉकेट लगा लिए। अब नीचे पॉकेट वाला हिस्सा रख के और तीन तरफ से सिलाई कर देंगे। देखिए, नीचे खुला रहेगा, ये तीन तरफ सिलाई कर लेंगे। तीन तरफ से सिलाई हो जाएगा तो इसको हम सीधा करेंगे। देखिए, पहले हम सिलाई करेंगे। मैं सीधे इंटरलॉक कर रही हूँ, देखिए, जिससे कि मजबूती आ जाए। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। पॉकेट नीचे रहेगा, बाकी हम सिलाई कर लिए। अब इसमें देखिए, हमने सिलाई कर ली है। अब इसे हम ये मशीन का नाप ले लेंगे, जितना चौड़ा रहेगा उतना चौड़ा ले कर इसको सिलाई कर लेंगे कॉर्नर पे, जैसे हम बैग रेडी करते हैं। इस तरह से देखिए, हमारा रेडी हो गया, सीधा कर लिया। अब इसको हमने मशीन के ऊपर डाल दिया। देखिए, कवर कितना सुंदर बन के रेडी है। ये मेरा पुराना मैक्सी था, उसी को मैंने कट किया था। बहुत पुराना नहीं था, ठीक ही था। अब यूज़ में नहीं था तो मैंने बना दिया।